हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा मुंदेले, इटरनल हॉस्पिटल जयपुर से, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से। हम बात करेंगे आज एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट पे। एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा, एक्सिलरी मतलब बगल या काख, वहाँ पे अगर कोई ब्रेस्ट टिश्यू है। नॉर्मली आपकी ब्रेस्ट चेस्ट पे होती है, बट वो कई बार एक्सटेंड होती है। एक्स्ट्रा टिश्यू ब्रेस्ट आपका कहीं पे भी हो सकता है, मिल्क लाइन के ऊपर। मिल्क लाइन एक्सटेंड करती है आपकी बगल से लेके आपकी नाभि तक। कहीं पे भी हमें एक्स्ट्रा निप्पल, एक्स्ट्रा एरियोला, ब्रेस्ट कुछ भी मिल सकता है। तो यूजुअली जो सबसे कॉमन जगह है वो है एक्सिला, और यहाँ पे गांट के रूप में ये होती है। तो जब पेशेंट आते हैं तो कई बार उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार पसीने की वजह से स्टिकीनेस रहता है, या वो बीच में अड़ती है जब आप नॉर्मल कपड़े पहनने जाते हैं, या किसी को उसमें कैंसर का डर रहता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आप हमारे पास आते हैं। और इसका उपाय जो है सर्जरी ही है। इसे जब आप आएंगे तो उसमें कुछ हम एग्जामिन करते हैं, क्लिनिकली देख लेते हैं कि वो सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू ही है, या फिर कोई लाइपोमा है, या कोई सिस्ट है, या लिम्फ नोड्स है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए कुछ जाँचें की जाती है, सोनोग्राफी की जाती है, ताकि हमें पता चले उसमें सिर्फ ग्लैंड है या फैट है, और फिर हम सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। और सर्जरी इसमें दो चीज़ें होती है, अगर फैट है तो लाइपोसक्शन ऐड होता है, अदरवाइज सिर्फ एक्सीजन से भी काम हो जाता है। एक्सीजन मतलब एक जो भी एक्स्ट्रा ब्रेस्ट है वो पूरा निकाल दिया जाता है, और उसके बाद एक फाइन सी लाइन स्कार बनता है, बट वो काफ़ी छिपा हुआ एरिया में होता है, ताकि आप इसलिए आपको डरना नहीं है कि हमें सर्जरी का स्कार रहेगा उस एरिया में। प्लस बड़ी ही आराम से ये सर्जरी हो जाती है, बहुत मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ में। तो अगर आपको कुछ किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी भी फीमेल को लग रहा है कि हमारे बगल में इस तरह की कोई गांठ है, तो आप इटरनल हॉस्पिटल में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।